अपने पांचों रूप और उनसे किस तरह से अनुवाद के निर्माण करते हैं। आगे आज हम लोट लकार के कुछ शब्द हैं उनसे वाक्य निर्माण करना सीखेंगे, किस तरह से लोट लकार के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जानना आवश्यक है कि लोट लकार शब्द है आज्ञार्थक वाक्य, यानी कि हमारे जो भी वाक्य बनेंगे वो आज्ञार्थक वाक्य बनेंगे। आज्ञार्थक वाक्य के लिए सबसे पहले जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, तुम पढ़ो। इस वाक्य के अंदर हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि इस पूरे वाक्य के अंदर कौन सा लकार है। अगर हमने लकार पहचान लिया तो वाक्य निर्माण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोट लकार है और लोट लकार चलता है आज्ञार्थक वाक्य। अब सबसे पहले शब्द आया है तुम, तो हमें यह देखना है कि तुम की संस्कृत क्या होती है। तुम को बोलते हैं तुम, यहां हम लगाएंगे तुम का प्रयोग। पढ़ो में पट धातु है और यहां पर पट धातु ही लिखी हुई है। तुम शब्द मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है पट, तो हम यहां लिखेंगे पट। यो व्याप तुम पढ़ो। जैसे अगले वाक्य में हम कोई वाक्य लिखते हैं, वह दोनों। सबसे पहले वही बात है, इसमें हमें पता लगाना होगा कि कौन सी बात कही जा रही है, कौन से लकार कैसे प्रयोग किया जा रहा है। तो फिर से वही है, लट लकार का प्रयोग हो रहा है लेकिन जाओ में गस धातु का प्रयोग हुआ है। वह दोनों की संस्कृत होती है तव, वह दोनों या वे दोनों। घर जाओ गृहम, अब जाना में कस धातु है तव का प्रयोग करते हैं द्विवचन में प्रथम पुरुष में, और यहां अपना प्रथम पुरुष द्विवचन में है पठताम, तो जब धातु का परिवर्तन करते हैं तो पठताम की जगह हम कस धातु का प्रयोग करते हुए गस्ताम बना देंगे। यो गया गस्ताम। ऐसे ही एक और वाक्य देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ो। इस वाक्य में भी हम किसी को आज्ञा दें कि वह पुस्तक पढ़ो। वह पुस्तक पढ़ो में फिर से वही है, पठ धातु का प्रयोग हुआ है। स पुस्तकम, वह शब्द आया है प्रथम पुरुष एकवचन का है, प्रथम पुरुष एकवचन में आता है पठतु, तो स पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़ो। आगे देखते हैं तुम दोनों घर जाओ। तुम दोनों की संस्कृत होती है युवा, तो तुम दोनों की संस्कृत हमने बनाई युवा। घर को गृहम, जाओ में फिर से गस धातु का प्रयोग हुआ है। गस धातु का प्रयोग करते हुए तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, अपना मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप पट धातु के अनुसार आता है पटतम, तो जब हम गस धातु के अनुसार लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गस्तम। इस तरह से आज्ञार्थक वाक्य चलते हैं। और वाक्य हम देखते हैं जैसे वे सब दौड़ो, इसमें भी किसी को आगे दी जा रही है, तो वे सब की संस्कृत होती है ते। अब ये ध्यान होना चाहिए कि दौड़ना के अंदर कौन सी धातु है, तो दौड़ना को बोलते हैं हम धाव धातु। धाव धातु का प्रयोग जब हम वे सब यानी कि ते के साथ करेंगे तो ते है हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, और पट धातु के अनुसार प्रथम पुरुष का रूप होता है पठंतु, तो यहाँ पर हम धाव धातु को पठंतु में परिवर्तन कर देंगे तो ये हो जाएगा धावतु। इसके साथ साथ जब कोई नाम हमारे सामने आ जाए जैसे राम पुस्तक पढ़ो,
जब कोई भी नाम होता है वह नाम हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन का ही माना जाता है, इसलिए राम को हम राम ही लिखेंगे। आगे विसर्ग का प्रयोग करते हुए राम है। पुस्तकम पढ़ो यानी पढ़ धातु पढ़तु, राम पुस्तक पढ़ो। कोई भी नाम हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही माना जाता है, इसलिए उसका प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में कर जाए, जैसा कि हमने राम का किया। और वाक्य देखते हैं, जैसे सीता विद्यालय मत जाओ, तो सीता एक वचन है इसलिए सीता को सीता ही रखेंगे। विद्यालय जाओ में ग्रस्त धातु का प्रयोग है, मत का प्रयोग करना है हमें लय से। एक वचन है पढ़ धातु का के साथ जुड़ता है पढ़ को, लेकिन हम यहाँ जाओ के साथ मिलाएंगे ग्रस्तु। सीता विद्यालय में ग्रस्तु, सीता विद्यालय मत जाओ, यानी कि जब भी हम किसी कारण को मना करते हैं उसका प्रयोग शब्द के तुरंत बाद किया जाता है, नए के प्रयोग के साथ उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वाक्य बन जाता है नहीं जाने से। तो सीता विद्यालय मत जाओ, इसमें आज्ञा तक वाक्य है, किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे वाक्य में हमेशा लोट लगाने का प्रयोग होता है। जैसे और वाक्य हम बनाते हैं तो वह कार्य करो, किसी को आज्ञा देने की बात होगी कि तुम वह कार्य करो, तो वह कार्य करो तो सह कार्य पट्टु बना है, कृ धातु का प्रयोग हो रहा है, सह कार्य कुर्वन्तु वह कार्य करो। इस तरह के वाक्यों में आज्ञार्थक वाक्य चलते हैं, जिसको हम आज्ञा दे रहे हैं उन वाक्यों को हमेशा लोट लकार के अंदर प्रयोग किया जाता है। और अगर वाक्य देखना हो तो जैसे वे सब मंदिर जाओ, वे सबको संस्कृत में बोलते हैं ते, मंदिर को संस्कृत में बोलते हैं देवालय, तो ते देवालयम जाओ में गच्छ धातु का प्रयोग है, पठन्तु का प्रयोग है शोषण करते हुए गच्छन्तु, तो वे सब मंदिर जाओ जब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इस वाक्य के अंदर किसी को आज्ञा दी गई है कि वे सब मंदिर की तरफ जाओ। ये है लोट लकार का वाक्य। अब तक हमने लट लकार और लोट लकार यानी ये वर्तमान काल और आज्ञा तक सीखे हैं। अब हम चलते हैं अगले लकार की तरफ, जिसे बोलते हैं लट लकार, जिसे लिंग लकार के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। भूतकाल के वाक्य बनाने के लिए आपको किस तरह से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इसे हमें परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि ये आज्ञातक वाक्य। अब है लिंग लकार, जिसे लड़ लकार भी बोलते हैं, उसका रूप मैंने आपको बताया था, जैसे पट धातु का रूप हमारा जब बना था तो उसको चलता है अपटक, अपटकाम और अपठन, अपठ अपठकम अपठत अपठामी अपठावे अपठामे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि लड़ लकार है लिंग लकार है, इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल में किया जाता है, यानी कि जो वाक्य बीत चुके हैं, जो घटना बीत चुकी है उसमें भूतकाल का प्रयोग करना है, जो वाक्य घटना पहले हो चुकी है उन वाक्यों का प्रयोग हमेशा लिंग लकार या लड़ लकार के अंदर किया जाता है। अब इसका वाक्य जैसे देखते हैं,
वाक्य निर्माण हम करेंगे लड़काल का, भूतकाल के अंदर। जैसे वह तेज बोलता था, वह तेज बोलता था। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा लकार, कौन सा काल है। वह तेज बोलता था, यानी कि था शब्द की इसमें आवृत्ति हो गई, यानी कि वो कभी तेज बोला करता था, वर्तमान में वो तेज नहीं बोलता। तो जब इसका हम संस्कृत ट्रांसलेट करेंगे तो वह को बोलते हैं स, तेज को बोलते हैं तीव्र। तो यहां हम प्रयोग करेंगे तीव्रम। बोलता था, बोलता में है वद धातु, वद धातु का प्रयोग करते हुए जब हम स का प्रयोग करते हैं यहां पर धातु के अनुसार आया अपठक, तो हम प्रयोग करेंगे यहां पर अवदत। वह तेज बोलता। इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ, तो वे दोनों नहीं खेलते थे। इन दो इंसानों के बाद बारे में ये बताया है कि वे दोनों नहीं खेलते थे। अब नहीं खेलते थे यानी कि बात पुरानी होगी, भूतकाल की होगी। तो वे दोनों को संस्कृत में बोलते हैं तव। अब नहीं शब्द की पहले यहां पर आवृत्ति है, लेकिन हमें पहले धातु शब्द निकालना है। उससे पहले नहीं की संस्कृत बनाते हैं हम ने। खेलते थे, खेलते में होगी क्रीड धातु। क्रीड धातु का प्रयोग करते हुए जब हम तव का प्रयोग करते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप में अपठताम है, तो क्रीड धातु का जब प्रयोग हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्रीडताम। तो मैं कहता हूं वे दोनों नहीं खेलते थे। ऐसे ही अगला वाक्य है, वे सब पढ़ते थे। तो वे की संस्कृत होगी ते। पढ़ते में वही से पढ़ धातु का प्रयोग हुआ है। ते शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम ते है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, और प्रथम पुरुष बहुवचन में पढ़ धातु के अनुसार रूप आता है अपठन। ते अपठन, ये हो गए प्रथम पुरुष के तीनों स तो ते, जिसमें तीनों ही वाक्य भूतकाल के लिए बनाए। अब चलते हैं हम अगले वाक्य की तरफ, तुम बुद्धिमान थे। इस इंसान के बारे में जो बात की जा रही है कि तुम कैसे थे, तो किसी ने बताया कि तुम बहुत बुद्धिमान थे, तो तुम की संस्कृत होती है त्वम। बुद्धिमान शब्द है, बुद्धिमान को बुद्धिमान रखेंगे। अब इस वाक्य में हमारे सामने ये प्रश्न आ गया कि थे शब्द को हम किस तरह से भूतकाल के वाक्य में परिवर्तन करें। तुम बुद्धिमान थे, तुम बुद्धिमानम, अब किस वाक्य का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ तो हमने लगा दिया जैसे पर धातु के अनुसार एफर्ट का रूप, लेकिन अब हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम बुद्धिमान थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अस्ति माने है होता है, संति माने है होता है, वर्तते का प्रयोग भी हम है में करते हैं, लेकिन है का प्रयोग हम किस में करते हैं। तो हम यहाँ इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं, तुम बुद्धिमान थे। किसी बुद्धिमान इंसान के बारे में बात की है, इसलिए तुम बुद्धिमान थे, तुम बुद्धिमान है, इस तरह तुम बुद्धिमान थे। अगला वाक्य है, तुम दोनों गेंद खेलते थे। तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाओं, युवाओं का प्रयोग करना है हमें। अब गेंद को संस्कृत में जैसे अभी पहले बताया था आपको, गेंद को बोलते हैं कंदुकी। खेलते थे में वही क्रीड धातु का प्रयोग हो रहा है। क्रीड धातु का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्रीड धातु का प्रयोग करते हुए
तुम दोनों आता है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हमारे सामने है अकृतम, तो जब हम इसका परिवर्तन कर देंगे तो ये हो जाएगा अकृतम। तुम दोनों गेंद खेलते थे, उसके बाद आता है तुम सब, तुम सब दौड़ते थे, यूयम दौड़ने में हो गया धाव धातु, धाव धातु का जब हम प्रयोग करेंगे तो यूयम है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में पट धातु के अनुसार हमने लिया ए पठक, इसलिए इसमें हम ले लेंगे यूयम ए धावक, तुम सब दौड़ते थे। चलते हैं मैं की तरफ, यानी कि अहम, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता था, यानी खुद की बात बताइए लेकिन भूतकाल में, मैं पुस्तक पढ़ता था हो गया अहम, पुस्तकम अपठामि, मैं पुस्तक पढ़ता था, यानी कि घटना बीत चुकी है, भूतकाल का वाक्य बन गया, किसी समय मैं पुस्तक पढ़ता था, इसलिए अहम पुस्तकम अपठामि। फिर आ गया हम दोनों साथ खेलते थे, फिर से वही है हम दोनों का हो गया आवाम, साथ को बोलते हैं सह, खेलना में हो गया खेल धातु, आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप और हमारे पट धातु के अनुसार होता है उत्तम पुरुष द्विवचन का अ पठाओ, तो जब क्रीड धातु में बोलेंगे तो ये हो जाएगा अ क्रीडाओ। फिर आया हम सब, हम सब बोलते नहीं थे, तो वयम नहीं शब्द की बात भी है लेकिन हमें ने को पहले लाना है, वयम ने, अब बोलने में है वद धातु, जब वद धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं वयम शब्द में, तो वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का आखिरी शब्द, उत्तम पुरुष बहुवचन का आखिरी शब्द आया अपठामि, तो हमने किया वयम ने अवदामि, हम सब बोलते नहीं थे, वयम ने अवदामि, हम सब नहीं बोलते थे, क्योंकि हिंदी में नहीं बाद में है लेकिन संस्कृत का ट्रांसलेट करते समय ने को हमें पहले लाना पड़ेगा जिससे कि हमारा वाक्य सही बैठेगा। ये हो गया हमारा लिंग लकार भूतकाल के प्रमुख वाक्य। अगला है हमारा विधिलिंग लकार जो है चाहिए के अर्थ, तो अब हम वाक्य निर्माण करेंगे विधिलिंग लकार का जिसका प्रयोग हमेशा चाहिए के अर्थ में होता है, यानी कि कोई भी वाक्य हमारे सामने आएगा उसमें चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक वाक्य हमारे सामने आ गया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहिए शब्द का प्रयोग हमारे साथ हो रहा है तो हमें विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में प्रयोग करना है, जब चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो तुम्हें शब्द आया है लेकिन अब हमारे सामने दिक्कत आई कि इसमें तो तुम्हें शब्द कहीं है ही नहीं, तो तुम्हें का मतलब होता है तुम, तो हमें तुम का प्रयोग करना है, तुम में आता है त्वम, तो यहाँ हम करेंगे त्वम, पढ़ना चाहिए यानी कि पट धातु का प्रयोग करना है मध्यम पुरुष एक वचन के रूप के अनुसार, तो यहाँ है पठे, तो यहाँ हो जाएगा त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ऐसे ही जब हम आगे सुनते हैं जैसे हो गया कि तुम दोनों को बोलना नहीं चाहिए, तुम दोनों को बोलना नहीं चाहिए, इसमें भी चाहिए का प्रयोग हो रहा है, तो जब चाहिए का प्रयोग हो रहा है तो सारे वाक्य विधिलिंग लकार के अंदर चले जाते हैं, तो विधिलिंग के अंदर जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो तुम दोनों की संस्कृत हमें पता है कि युवाम होती है,
बोलना में वत धातु है, लेकिन यहाँ हमें नहीं का प्रयोग नहीं करना है। तो नहीं शब्द को हम पहले ले आएंगे, युवाम ने वत धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप के अनुसार जब हम करते हैं तो पठितम की जगह हो जाएगा वदितम। युवाम ने वदितम, तुम दोनों को नहीं बोलना चाहिए। ये हो गया विधिलिंग लकार का चाहिए क्या थी। ऐसे ही अगला वाक्य जब हम देखते हैं तो हो गया तुम सब को वहां जाना चाहिए। किसी को हमें कहीं भेजना है, चार पांच विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना करके जब हमने कह दिया कि आप लोगों को वहां जाना चाहिए, फिर से वही है चाहिए के अर्थ में प्रयोग है और जाना है गस्त अर्थ। तो जब गस्त अर्थ का हम प्रयोग कर रहे हैं तो तुम सब की संस्कृत होती है यूयम। तुम सबको यूयम वहां। अब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वहां को संस्कृत में क्या बोलते हैं। वहां को संस्कृत में बोलते हैं तत्र, यूयम तत्र। अब तुम सब का प्रयोग जब हम कर रहे हैं, यूयम होता है मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हम लेते हैं तो पट धातु के अनुसार आया पठेत, लेकिन हमें लेनी है गच्छ धातु, तो हमारा हो जाएगा वाक्य गच्छेत। ये हो गया लिंग लकार का तुम सब। अब वाक्य थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, जैसे हमारे सामने आ गया कि उसे घर जाना चाहिए। अब उसे शब्द का प्रयोग हमें जब करना है तो इसमें उसे शब्द कहीं भी नहीं आया, तो हम जब उसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग हमेशा हम सह के साथ करते हैं। उसे, उन्हें, उन दोनों को, उन सबको, इन सब का प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष के वाक्य के अनुसार ही होता है। तो जब उसे शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान होगा सह गृहम गच्छेत। चाहिए का प्रयोग है तो वही गस्त धातु है, इसलिए सह गृहम गच्छेत, उसे घर जाना चाहिए। अब जैसे हो गया उन सबको लिखना चाहिए, वही है उन सब का जब प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग करेंगे हम ते के साथ। ते उन सब प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है और हमारी पट धातु के अनुसार चलता है पठेली। जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन करने के लिए लिख धातु को हम परिवर्तन कर देंगे, लिखना में लिख धातु, तो ते लिखे यू, उन सबको लिखना चाहिए। अगर बीच में हम लोग और वाक्य लिखते जैसे उन सबको पुस्तक लिखनी चाहिए, तो इसी वाक्य में ते लिखयु के अंदर हम पुस्तकम शब्द का प्रयोग कर देंगे, ते पुस्तकम लिखेयु, उन्हें पुस्तक लिखनी चाहिए। एक ही वाक्य को हम अलग अलग रूपों में बांट देते हैं। जैसे आ गया कि मुझे नहीं खेलना चाहिए, मुझे शब्द का प्रयोग इसमें कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यानी कि हम स्वयं, तो मुझे का प्रयोग करेंगे हम अहम के साथ। अहम नहीं को ने खेलना में हो गया कृत धातु, कृत धातु का उत्तम पुरुष एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष एक वचन पट धातु के अनुसार हमारा रूप है पठेयम, इसे हम बदल देंगे कृत धातु में, ये हो जाएगा कृदेयम। अहम न कृदेयम, मुझे नहीं खेलना चाहिए। जैसे आ गया हम सबको यहां पढ़ना चाहिए, हम सबको यानी कि हम सबका शब्द हमारे पास है वयम, तो वयम यहां बोलते हैं अत्र, तो वयम अत्र। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, उत्तम पुरुष बहुवचन के अनुसार पट धातु हमने लिया पठेन, तो यहां भी हमारे पास पट धातु है, तो वयम अत्र
पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। ये हो गया विधिलिंग लकार का चाहिए के अर्थ प्रयोग। ठीक है, आखिरी है हमारा लट लकार भविष्य काल। अब इसमें और एक जो हमने सबसे पहले पढ़ा था लट लकार, इन दोनों में काफी समानताएं हैं, दोनों काफी मिलते जुलते हैं, केवल थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। वो कैसे है वो देखते हैं हम। जैसे हमने वाक्य पढ़ा था, जब लट लकार का पढ़ा था, तो वह पुस्तक पढ़ता है, ये था हमारा लट लकार का वाक्य। लेकिन हम इस वाक्य को जब भविष्य में बदल देंगे तो ये हो जाएगा वह पुस्तक पढ़ेगा। दोनों वाक्य में काफी समानता है, लेकिन केवल हमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए पूरा का पूरा वाक्य ही चेंज कर देना है। तो जब लट लकार के अंदर हमने पढ़ा था वर्तमान काल में, तो वह था वह पुस्तक पढ़ेगा, यानी कि वह पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल का वाक्य वह पुस्तक पढ़ता है जिसमें वर्तमान काल था, लेकिन एक शब्द का परिवर्तन करते ही ये हो जाता है भविष्य काल में, वह पुस्तक पढ़ेगा। इसमें वह को बोलते हैं हम स, पुस्तकम। पठ धातु प्रथम पुरुष का रूप है, पठिष्यति, तो यहां हो गया पठिष्यति, वह पुस्तक पढ़ेगा। यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन करते ही हमारा वर्तमान काल का वाक्य भविष्य काल में बदल सकता है। जैसे वे दोनों बोलेंगे, तो वे दोनों की संस्कृत होती है तव। बोलने में है पद धातु, जब पद धातु का तव में प्रयोग कर रहे हैं, द्विवचन प्रथम पुरुष में प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने पद धातु के अनुसार लगाया था पठिष्यत, तो हम यहां पद धातु के अनुसार कर देंगे वदिष्यत। ऐसी अगला है वे सब मंदिर जाएंगे, जाएंगे में गस धातु का प्रयोग हुआ है, जो गस धातु का हम प्रयोग करेंगे, तो ये सब की संस्कृत होती है ते। मंदिर को मैंने बताया था, मंदिर को बोलते हैं देवालय, ते देवालयम। जाएंगे यानी कि भविष्य में, गमिष्यन्ति। अब समस्या ये आई कि मैंने आपको गस धातु बताया, लेकिन यहां प्रयोग गमिष्यन्ति का कर दिया, तो हमें ये ध्यान रखना है कि गस धातु जो है उसे गम धातु भी बोला जाता है। लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग हम गस धातु के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन लट लकार का प्रयोग गस धातु के अनुसार नहीं होकर के गम धातु के अनुसार होता है, जैसे गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति। इस तरह से गस धातु का प्रयोग दो रूपों में करते हैं। अगला है तुम पुस्तक पढ़ोगे, तुम की संस्कृत होगी त्वम, त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, तुम पुस्तक पढ़ोगे, पढ़ोगे में पठ धातु है, इसलिए भविष्य काल का वाक्य हो गया तुम पुस्तकम पठसि। अगला जब आया तुम दोनों भोजन खाओगे, अब सबसे पहले ये देखना है कि खाओगे में कौन सी धातु का हमें प्रयोग करना है। तो जो भी चीज हम खाते हैं उसके लिए हम खाद धातु का प्रयोग करते हैं, तो तुम दोनों का हो गया युवा भोजनम, खाद धातु है, भविष्य काल का वाक्य है, तो हमने जब तुम दोनों का प्रयोग किया तो हमारा आया पठिष्यत पट धातु के अनुसार, खाद धातु के अनुसार हमारा हो जाएगा खादिष्यत, तुम दोनों भोजन खाओगे। फिर हमारा वाक्य आता है तुम सब, तुम सब वहां कब जाओगे, जाओगे में गस धातु का प्रयोग है,
तुम सब की संस्कृत होती है हीलियम, वहां को बोलते हैं तप्त, कब को बोलते हैं कदा, जाओ के कस धातु का प्रयोग है भविष्य काल में, ये हो जाएगा गमिष्यत्। यम तत्र कदा गमिष्यत्, तुम वहां कब जाओगे, कदा यानी कब। फिर आया मैं का वाक्य, मैं कल जयपुर जाऊंगा, यानी कि भविष्य की बात कह रहा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। जाऊंगा में कस धातु का प्रयोग है, मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम, कल को संस्कृत में बोलते हैं स्व, जयपुर यानी कि शहर का नाम, जाऊंगा पट धातु के अनुसार रूप आएगा हमारा पठिष्यामि, तो हमारा यहां रूप हो जाएगा गमिष्यामि। उसके बाद हम चलते हैं हम दोनों, हम दोनों यहां खेलेंगे। हम दोनों की संस्कृत होती है अवाम, यहां को बोलते हैं अत्र। अवाम का प्रयोग तो हम कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में हमारा जो पट धातु के रूप था वो था पठिष्यावय, लेकिन जब हम खेल ले को क्रीड धातु को बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्रीडिष्यावय। हम दोनों यहां खेलेंगे। और आखिरी वाक्य जिसे आता है हम सब, नहीं दौड़ेंगे, हम सब की संस्कृत होती है वयम, न दौड़ेंगे में है धाव धातु, धाव का प्रयोग जब हम इसके साथ करते हैं तो यह हो जाएगा वयम न धाविष्यामः। इस तरह से ये हो गया हमारा लिट लकार भविष्य काल का, ये हमारे पांचों लकार हो चुके हैं। पांचों लकार में इसको अगर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है तो किसी भी धातु को याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको केवल पांच लकार की कोई भी एक धातु याद करनी है, जिससे कि आगे के लिए हमारा रास्ता एकदम साफ है, हम किसी भी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे संधि से संबंधित कुछ।